से मौजूद हैं। अजय जी, देखिए साउथ पोल का जब जिक्र किया जाता है, साउथ पोल पर ऐसी क्या वजह है जब ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया इस पर नजर गड़ाई होती है? देखा गया है कि साउथ पोल जो है वो भारत जैसा ही यानी कि पृथ्वी जैसा ही कहीं ना कहीं वातावरण रखता है, लेकिन बहुत सी ऐसी जिज्ञासाएं हैं साउथ पोल पर जिसे तमाम वैज्ञानिक दूर करना चाहते हैं, इसीलिए ये जो मिशन है चंद्रयान 3 है बहुत ही महत्वपूर्ण हो चलता है। अजय जी, सबसे पहले तो जो आज के दो गेस्ट हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ऐसे ही कितने वैज्ञानिकों की जो सालों की मेहनत है जिसने आज हमें यहां ला करके खड़ा कर दिया है। और अगर हम अपने एज की मैं बात करूं तो हमने जैसे अब्दुल कलाम जी को देखा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, या उनको पढ़ने या सुनने का मौका मिला, तो उनका एक सपना था कि ये बहुत होता है कि भारत ने ये किया लेकिन हम तीसरा देश बन गए, हम चौथा देश बन गए। लेकिन अब उनका सपना क्या था कि हम कभी ना कभी जो विज्ञान और तकनीक में ऐसे काम करें कि हमारा भी नाम हो कि भारत पहला ऐसा देश है जिसने ये अचीवमेंट हासिल किया है। और साउथ पोल पे उतरना आज उनके उस सपने को साकार करने जैसा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उस पर उतर पाएंगे। साउथ पोल पे बहुत सारी ऐसी अननोन चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज जो है जो हमें आगे की जो रिसर्च है उसके लिए बड़ा लाभ हो सकती है, और केवल हमारे लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि दो बड़े अगर आप स्टेप देखेंगे तो जब 1957 में रशिया ने अपना स्पूतनिक 1 जो सैटेलाइट था ऑर्बिट सैटेलाइट अर्थ का पहला लॉन्च किया तो उसने एक पॉसिबिलिटी को खोल दिया सबके लिए। ऐसे ही भारत आज सफल लैंडिंग करके पूरे वर्ल्ड के लिए उस पॉसिबिलिटी को खोल देगा। वहाँ बहुत सारी चीज़ें की जाँच करने के लिए ये पॉसिबिलिटी है, जैसे मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन का क्या लेवल है या वाइब्रेशंस उसके सरफेस पर कितना है, वहाँ का थर्मल टेम्परेचर कैसा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग पेलोड जो हैं वो रोवर में लगाए गए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज हम उस जो ये सक्सेसफुल जो वहाँ पर लैंडिंग कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं डॉक्टर अजय, मैं भी आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि दीपिका के सवाल से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि अगर आपको याद होगा कि रूस का जब लूना 24 गया था तो वहां से कुछ मिट्टी लेकर आया था, और इस बार जब रूस ने अपना लूना 25 भेजा तो ये कहा गया कि साउथ पोल वो एरिया है जहां पर पानी की संभावना भी है, और इसलिए शायद ये माना गया कि साउथ पोल को ही एक वो एरिया चुना गया है जहां पर लैंड कराना है। हालांकि रूस का मिशन जो है वो क्रैश हो गया, फेल हो गया, लेकिन इंडिया जो कर रहा है, भारत जो कर रहा है वो ऑर्बिटर के आसपास ही रहने वाला है। देखिए, जो पानी का संकेत है वो तो चंद्रयान जब हमने पहला अपना 2008 में लॉन्च किया था उसने भी ये संकेत दिए थे, और यही कारण है कि ज़्यादा इस एरिया साउथ पोल को